दोस्तों तैयार हो जाइए पेट पकड़कर हंसने के लिए, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए जानवरों के हंसा देने वाले कांड लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। तो हमारी यह वीडियो काफी मजेदार और फनी साबित होने वाली है, इसीलिए इसे बिना स्किप किए आप आखिर तक बने रहे। गिरगिट एक ऐसा जीव है जिसे काफी कम लोगों ने ही देखा है। इसका मतलब जाहिर है कि लोगों ने इनके फाइट भी नहीं देखी होगी। तो यहाँ पे देखें, इस पेड़ पर कमेलियन एक साथ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें देखकर तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये लड़ रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है मानो कि ये दोनों ही हीरो हीरोइन है जो यहाँ पे लटके हुए है। अगर आपने भी ये नजारा पहली बार देखा है तो ये वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। छोड़ू तेरा हाथ, छोड़ू तो हाथ छोड़ेगा तो मैं तेरे को कहीं से मारूंगा। ये देख गिर के साले भंगार वाले को खींच लीजिए बाबू भैया, पकड़ लो उसको, खींच लो। अब जरा इन बिल्लियों के तरफ भी एक नजर डालिए। इनकी फाइट देखकर तो यही लगता है मानो कि ये दोनों बिल्लियां अच्छा खासा कराटे जानती है, जो लड़ाई करते करते नीचे गिर गई और बाद में बेचारे इस बिल्ली का हुलिया कुछ इस तरह का हो गया, जो शायद अभी पछता रही है। पछता रही है। आँख नीचे कर, आँख नीचे कर। अरे मैं तो पूरा काला हो गया। अब जरा आप इस बिल्ली को देखो, जिसे पता नहीं किसने अंडरटेकर के बाल पहना दिए हैं, जिस वजह से बिचारी दूसरी बिल्ली की सूसू निकल गई, जो यही कह रही होगी कि यार ये कैसा अजीबोगरीब राक्षस है जो मेरी ही धुलाई करने के लिए आ रहा है। क्या बोलते सब लोग, एमवीए बनता है मालूम है ना। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू, टेस्ट कर रहा था। टाइल है बाबू भैया राजू का। बोट पर खड़े हुए कुछ लोग देख पा रहे थे कि एक मगरमच्छ उनके बोट की तरफ आ रहा है, लेकिन ये लोग वहाँ से भागने के बजाय वहीं पे रुक रहे हैं और मगरमच्छ को देखने लगे, जिसके कुछ सेकंड के बाद ही मगरमच्छ भाई बोट पर चढ़ने की कोशिश करता है। इन लड़कों को लगा कि बोट पर इन्हें कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन इस मगरमच्छ ने इनकी इस गलत फहमी को दूर कर दिया। हे हिम्मत, हे हिम्मत, बोल, आएगा, आएगा। क्या माइलम मजाक करता है? मैं आ जाऊँ क्या? तू उधर क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था कि दो मीटर तक भी नहीं देगा तेरे। रेगिस्तान में जाने के बाद कुछ लोगों को कैमल यानी कि ऊंट की सवारी करना बड़ा पसंद होता है, जिसके चलते काफी लोग अपनी इस इच्छा को पूरा कर पाते हैं, मगर जो लोग अपनी इच्छा को चाह करके भी पूरी नहीं कर पाते उन्हें आप यहां दिखें। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक आदमी इस ऊंट पर बैठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये भाई जरा खाते पीते घर का होने की वजह से बेचारा ऊंट भी इसका वजन नहीं सह पा रहा और ये भाई साहब वहीं पे लुढ़क गए। यहाँ पे कुछ बंदरों की टोली बर्थडे की पार्टी करने के लिए सज धज के बैठी हुई थी, लेकिन तभी इनमें से एक बंदर के अंदर मस्ती का भूत सवार हो गया और इसने अपने दोस्त को ही लात दे डाली, जिसके बाद ये बिचारी इस तरह से गिरी कि आप पूछो ही मत, जो यही सोच रही होगी कि यार आगे से मैं इस हरामी के साथ कभी नहीं जाऊंगी। इस भाई का बर्थडे आज, मेरा दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब हो रहा है। तुझे कहा किसने ग्रुप में आने को? शुरू करो फिर। अब आप यहाँ पे देखे, इस क्लिप में ये कुत्ता भाई अपने मालिक को पूरा दम लगा कर उठा रहा है, लेकिन मालिक ठहरा आलसी जो अपने आँखों को भी नहीं खोल रहा और कुत्ता भाई उसे धक्का देकर उठा रहा है। कुत्ते की यह हरकत देखकर ऐसा लग रहा है कि इस कुत्ते का पेट खराब है और ये बाहर हल्का होने के लिए जाना चाहता है। मेरे को बहुत जोर से बाथरूम आया यार, मेरा निकल जाएगा, प्लीज समझा कर, मेरा किडनी खराब है।
आप एक नंबर कमीने हो। जानवरों के साथ प्रैंक करने में बड़ा मजा आता है। जी नहीं, यहाँ पर हम कुत्ता या फिर बिल्लियों की बात नहीं कर रहे। वैसे देखा जाए तो बाकी जानवरों के साथ भी प्रैंक करी जा सकती है, जैसे कि यहाँ पर ये भाई काऊ यानी कि गाय को डरा कर ये नीचे छुप जाता है, जिसके बाद बिचारी ये काऊ डर के मारे ऊपर चढ़ गई और यहाँ वहाँ देखने लगी, जो यही सोच रही है कि यार आखिर मुझे उंगली करी किसने। कौन है गद्दार? कौन है गद्दार जो हमारी तेज नजरों से बचा हुआ? कौन बे? बाल बाल बच गया रे दिया। दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।